Hello everyone, welcome to Imanyu IAS. I am Sarthak, Senior Faculty Imanyu IAS. See, prelims ka result file out ho chuka hai, right? So, ab the next question banta hai apna ki next step kya hona chahiye? Prelims ka result aa gaya, now you have qualified for mains, to aapko kya karna kya nahi karna? So, the best option in front of you, I would say ki the best option bhi nahi karna chahiye ki aapko exactly ab kya karna chahiye, ab aapki answer writing, that should be your फर्स्ट स्टेप राइट कि आपको आंसर राइटिंग पे पूरा फोकस करना है बिकॉज अब क्या है आपका नाउ मेंस अब आपका पूरा फोकस मेंस पे होना चाहिए एंड मोस्ट प्रोबेबली एक्सपेक्टेड डेट इसकी 30th और 31st मार्च के अराउंड मेंस भी कनेक्ट करा लिया जाएगा इलेक्शन से पहले पहले आपका मेंस हो जाएगा राइट तो इतना ज्यादा टाइम भी नहीं है आपके पास कि मैं कहूंगा कि आपको आराम से ब्रेक लेना चाहिए उसके बाद स्टार्ट करना चाहिए सो अब आपका सीधा का सीधा आपका काम बनता है क्या आंसर राइटिंग प्रैक्टिस दिस शुड बी योर फर्स्ट थिंग आंसर राइटिंग तो अब आप पूछोगे कि सर ठीक है आंसर राइटिंग आपने बोल दिया लेकिन इसको करना कैसे है सो इसका सिंपल और बेस्ट वे होता है प्रैक्टिस प्रैक्टिस इज द की टू सक्सेस वो यहां पर भी बिल्कुल वैलिड है कि अब प्रैक्टिस ही आपका सबसे बड़ा आपके सामने जो है मेन टूल है टू क्लियर मेंस इनफैक्ट फॉर आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस के लिए प्रैक्टिस अब सर प्रैक्टिस कैसे होगी इसके पास या तो आप रेंडमली कोई भी क्वेश्चन उठाइए और करने उसके अगर आंसर लिखने लग जाइए बट द रियल थिंग इज कि आप एक प्रॉपर आपके सामने पूरा जैसे आपका रियल टाइम एग्जाम होने वाला है उसी फॉर्मेट में अगर आपके सामने क्वेश्चंस आए एग्जाम आए वहीं टाइम लिमिट हो और ऊपर से आपको फीडबैक मिले प्रॉपर उसको रिव्यू किया जाए और आपको एक फीडबैक मिले कि आप कहां गलतियां कर रहे हैं कहां नहीं कर रहे सो दैट जब आपका फाइनल एग्जाम हो मेंस का उसके अंदर कोई भी गलती ना हो और आप ज्यादा से ज्यादा मार्क्स सिक्योर करके इंटरव्यू के लिए क्वालिफाई कर पाए और आपका फाइनलिस्ट में अंदर नाम भी आए राइट सो इसके लिए मैं आपको एक ऑप्शन बताऊंगा विच इज द बेस्ट ऑप्शन फॉर यू विच इज द एचसीएस मेंस टेस्ट सीरीज मॉक टेस्ट सीरीज अभिमन्यु आईएएस ने आपके लिए ऑलरेडी लॉन्च कर रखी है और सबसे बड़ी जो यूएसपी है इसकी वो ये है कि ये इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों मोड के अंदर अवेलेबल है अगर आप हिंदी में देना चाहे तब भी दे सकते हैं इंग्लिश में देना चाहे तब भी दे सकते हैं दोनों के दोनों मोड आपके लिए हमने अवेलेबल करा रखे हैं ये हमारी मेंस की टेस्ट सीरीज की यूएसपी है और ऑनलाइन एज वेल एज ऑफलाइन दोनों मोड के अंदर अवेलेबल है ऑफलाइन अगर आप सेंटर पे आके देना चाहें फिर चाहे इंग्लिश में दीजिए चाहे हिंदी में दीजिए वॉट एवर यू फील राइट ऑनलाइन आपको घर बैठे बैठे अगर देना है तो वो भी आपके पास ऑप्शन है राइट सब सारे ऑप्शन है टोटल देयर विल बी अराउंड 16 टेस्ट मिलेंगे आपको पूरे 16 टेस्ट मिलेंगे जिसमें से 8 आपके सेक्शनल टेस्ट है जीएस के ऊपर 3 इंग्लिश के 3 हिंदी में 2 कंप्लीट जीएस के मॉक टेस्ट मिलेंगे आपको सबसे बड़ी बात क्या है कि आपको 72 दिन के अंदर अंदर आपको मैक्सिमम बता रहा हूं मैं ये मैक्सिमम मेथड इसके अंदर अंदर पूरा आपका जो टेस्ट है इवेल्युएट होके प्रॉपर फीडबैक के साथ आपको मिल जाएगा बहुत ही एक्सपीरियंस फैकल्टी है हमारी राइट यहां पर पूरा प्रॉपर एनालाइज किया जाता है आपके क्वेश्चंस को वन बाय वन एक एक गलती में देखा जाता है कई आप छोटी छोटी मिस्टेक्स भी जो कि एग्जाम में आपको एक एक दो नंबर भी कटा है क्योंकि बिकॉज एक एक मार्क मैटर करता है कैसे भी आपका एक नंबर इंक्रीज हो जाए वो बहुत बड़ी बात होती है वही अटेम्प्ट रहेगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर भी राइट प्रॉपर करंट अफेयर्स और साथ में स्टैटिक दोनों का पूरा एक अच्छा सिंथेसिस प्रॉपर सिंथेसिस होगा इस टेस्ट सीरीज के अंदर जो क्वेश्चंस प्रिपेयर किए जा रहे हैं बिकॉज आपको जो फाइनल टेस्ट भी आएगा फाइनल एग्जाम होगा उसमें करंट अफेयर जो है जो आपके जीएस के क्वेश्चंस रहेंगे करंट अफेयर बेस्ड ही होंगे राइट सो उसी के अकॉर्डिंगली ही टेस्ट सीरीज सारी प्रिपेयर करी गई है राइट सो नाउ आई विल शो यू हाउ टू एक्सेस दिस टेस्ट सीरीज जस्ट अ सेक ओके फॉर दैट लॉग इन टू अभिपीडिया वेबसाइट अभिपीडिया की वेबसाइट पर लॉग इन करिए इसका लिंक भी आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में प्रोवाइड कर दिया जाएगा डोंट वरी अबाउट दैट जैसे ही आप लॉग इन करेंगे दिस विंडो विल पॉप अप राइट ये आपके सामने खुलेगी सी हरियाणा जीएस मेंस टेस्ट सीरीज देयर आर अराउंड 16 टेस्ट है राइट सारे के सारे आपके सामने है जैसे आपको आपको टेस्ट सीरीज आप जैसे सब्सक्राइब करते हैं ऑल दिस विल बी अवेलेबल टू यू राइट कोई भी क्वेरी है अगर आपके पास कोई भी क्वेरी है तो नीचे सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है
इस टेस्ट सीरीज का लिंक भी, रजिस्ट्रेशन लिंक भी नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मिल जाएगा, जिस पे क्लिक करके आप इसको सब्सक्राइब कर सकते हैं। साथ में सपोर्ट नंबर भी प्रोवाइडेड है, कोई भी क्वेरी है उस पर कॉल करके पूछ सकते हैं। आई एम अगेन रिपीटिंग, इंग्लिश एज वेल एज हिंदी दोनों मोड के अंदर ये अवेलेबल है, राइट। सो आई डेफिनेटली रिकमेंड यू टू सब्सक्राइब टू दिस टेस्ट सीरीज जितना जल्दी से जल्दी हो सके, एज सून एज पॉसिबल, डोंट वेट फॉर इट नाउ। आज से ही आई विल से स्टार्ट प्रैक्टिसिंग, बिकॉज इतना टाइम नहीं है, एक एक दिन आपके लिए क्रूशियल है। इसमें मेहनत कर लो, एक बार क्लियर हो गया उसके बाद आप आराम से चाहे ब्रेक ले लेना, राइट। सो विद दिस वी हैव रीच्ड द एंड ऑफ आवर वीडियो, एंड अंटिल आवर नेक्स्ट वीडियो आई विश यू टेक केयर एंड बाय बाय, थैंक यू।